वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे श्रिया के वार्डरोब की क्लीनिंग। बहुत टाइम से आप सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी से वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वीडियो बनाएं, तो आज बनाने जा रहे हैं हम दोनों। लेकिन बहुत सारा काम है, पहले मैं आपको बिफोर पिक्चर दिखाऊंगी इसके वार्डरोब की, क्योंकि आई थिंक ऊपर वाला शेल्फ अपन ने कब से नहीं किया, एक साल तो हो गया होगा। हाँ, आराम से है ना। तो ऊपर वाला जो शेल्फ है उसमें हम लोग बहुत सारे कार्डबोर्ड्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो कि कभी कभी इसको क्राफ्ट में चाहिए रहता है, प्रोजेक्ट्स में चाहिए रहता है, तो वो सारा भी क्लीन करना है। प्लस इसकी अलमीरा को अच्छे से क्लीन करना है। और अभी क्योंकि फ्रेंड्स लॉकडाउन है, तो अभी हम बहुत सारा DIY हमें जो करना है वो पेंडिंग है। तो इसके रूम में जो भी हम लोग DIY चीज़ें रखेंगे वो वीडियो में आपको बाद में दिखाऊंगी, और एक बाद में एक छोटा सा टूर जैसा दे दूंगी कि हाँ ये चीज़ें मैं इसमें रख रही हूँ। बाकी जो क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन है, मेन जो वीडियो है वो आप सभी से मैं शेयर करने जा रही हूँ। सो आई होप कि आप सभी को अच्छी लगेगी। एंड वन मोर थिंग मैं बोलना चाहूँगी कि आई थिंक उनका नाम है, एक व्यूवर है, उनका नाम है मीरा देवी, और एंड वो बहुत टाइम से श्रिया ने जो DIY किया था अपना डॉल का बेड है ना, तो वो उसकी रिक्वेस्ट कर रही थी, जो कि मैंने श्रिया के चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया था उनकी रिक्वेस्ट पे। तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि श्रिया के चैनल पे जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आप जो भी वीडियोस में बिल्कुल श्रिया से रिलेटेड है या इंग्लिश में जो वीडियोस हैं वो श्रिया के चैनल पे जाएंगी, और हिंदी में जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे जाएंगी। हाँ, वो हमारे चैनल। सो आप लोग इस हिसाब से देखिए और दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ, वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वीडियो के बाद वीडियो जाएगी फ्रेंड्स इसके रूम टूर की मेरे चैनल पे। सेम उसी का इंग्लिश वर्जन जो है थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो श्रिया के चैनल पे जाएगा रूम टूर का। तो आप ज़रूर देखिएगा सारी वीडियोज़ और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फाइनली। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बिफोर पिक्चर दिखाती हूँ श्रिया के वार्डरोब की। तो काफ़ी ऑर्गेनाइज रखती है वो अपनी अलमारी। वैसे तो आप देख के बोलेंगे कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको ऑर्गेनाइज करने की, बट आप ऑर्गेनाइज करने के बाद देखिएगा बहुत डिफरेंस होता है, बहुत सारा कचरा निकलता है। तो एक अलमीरा जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये जमी हुई है और उसका ड्रॉअर भी काफ़ी हद तक उसने ठीक रखा है। बाकी उसको बहुत सारा देखना है, कौन सा डिस्कार्ड करना है, कौन सा रखना है। और ये जो अलमीरा के डोर्स हैं ये भी काफ़ी गंदे हो गए हैं, तो इसे भी वो साफ करेगी। तो इस टाइप से सारी चीज़ें जो है करनी है, और बहुत सारा आप देखिएगा बाद में बहुत सारा कचरा भी निकलेगा। हम काफ़ी टाइम तक चीज़ें रखे रहते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जब हम उसको छाटने बैठते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत सारा निकल आता है बाहर। तो ये जो कपड़े हैं इसमें से भी देखना है कौन से वो भी पहनती है, कौन से छोटे हो रहे हैं, और सारे जितने बैग्स हैं वो भी सब क्लीन करके अच्छे से रखना है। तो चलिए जल्दी से काम शुरू करते हैं। और नीचे का जो ये बास्केट आप देख रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा फैलता है क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान है, तो उसमें से भी मैं काफ़ी सामान अलग करूँगी। ऊपर जो आप ये सबसे टॉप मोस्ट जो शेल्फ देख रहे हैं, इसमें देखिए आप इतना सामान भरा है, मुझे तो डर लग रहा है अगर मैं इसका दूसरा वाला ये पल्ला खोलूँगी ना तो सारा सामान मेरे ऊपर ही गिरेगा। तो अभी इसे मैं खोलूंगी नहीं, जब मैं इसे साफ करूंगी तो केयरफुली खोलूंगी। सो फ्रेंड्स, ये अलमीरा का जो सामान है हम बेड पे ही खाली करेंगे क्योंकि और कोई स्पेस नहीं है। और ये जो मैंने कर्टन्स आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले मैंने कर्टन्स धोए थे पूरे घर के, तभी मैंने ये कर्टन्स भी धो के, और उतना पूरा जो स्पेस था यानी कि विंडो जो थी वो अच्छे से मैंने क्लीन कर दी थी और कर्टन्स लगा दिए थे। तो उस एरिया को छोड़ देंगे हम, बाकी पूरा रूम और वार्डरोब हम करेंगे। अब मैं आ गई हूँ श्रिया की हेल्प करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये अलमीरा को साफ़ करना मतलब बहुत बड़ा हेडेक होता है। बहुत सारा सामान है, बहुत तरह तरह का सामान है, और बहुत बारीकी से देखना भी पड़ता है। तो हम दोनों मिलके करेंगे तभी ये चीज़ हो पाएगी।
बहुत टाइम से आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं श्रिया का वार्डरोब दिखाऊं, तो वार्डरोब तो आप देख ही लेंगे, उसको ऑर्गेनाइज हम लोग कैसे करते हैं वो भी आप देख लेंगे। और अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो कुछ भी सामान मैं बाहर से नहीं ला सकती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मुझे लानी थी इसकी बास्केट वगैरह, लेकिन ठीक है हम इसी की तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर देखिए कैसे होता है। फ्रेंड्स बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक एक या दो दो शेल्फ्स को खाली करें और फिर उसको ऑर्गेनाइज करें और फिर आगे बढ़ें। अगर आप पूरी अलमीरा खाली कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि बहुत सारा सामान, बहुत सारा स्टफ इकट्ठा हो जाता है। तो आप दो दो या तीन तीन शेल्फ को खाली करें और उसमें से देखिए कौन सा आपको रखना है, कौन सा आपको हटाना है, डिस्कार्ड करना है। तो इस टाइप से करने से क्या है, जल्दी भी काम होता है और एफिशिएंसी से भी होता है। मैंने 4 शेल्फ्स जो हैं वो खाली किए हैं और ये पूरा जो सामान आप देख रहे हैं ये 4 शेल्फ्स का है। तो पहले इसको हम देखेंगे, इसमें से कौन सा डिस्कार्ड करना है, कौन सा रखना है वो देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट शेल्फ की तरफ। फ्रेंड्स सिंगल अलमारी है श्रिया की और उसमें हम लोग विंटर वेयर्स, उसके समर वेयर्स और जितनी भी बुक्स हैं, कॉपीज हैं वो सारे उसके बैग्स, पर्सेस, उसके गेम्स और जो भी उसका रिलेटेड सामान है सारा एक ही अलमारी में रखते हैं और यहीं पे हमें रखना रहता है, कोई और स्पेस नहीं है। तो अच्छे से ऑर्गेनाइज करना ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि उतनी स्पेस नहीं होती और हमें सब चीज़ें एक ही जगह रखनी होती है। फ्रेंड्स मैंने अपने लास्ट वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में ये बास्केट्स दिखाए थे जो कि मैंने अमेजोन से बुलाए थे और ये लिए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। ये बहुत ही अच्छे हैं, स्टर्डी हैं और आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, यानी कि श्रिया की बहुत सारी इसमें फ्रॉक्स रखी हैं जो कि फूल जाती हैं, उनको कहीं और रखेंगे या हैंग करेंगे ना तो इतनी स्पेस लेती हैं। तो इस टाइप से फोल्ड करके मैंने ये जो इस टाइप की फ्रॉक्स रहती है ना, ये बहुत टिश्यूज़ की रहती हैं, बहुत ज़्यादा फूलती हैं, तो उनको मैं इसमें रखती हूँ और इसमें काफ़ी स्पेस अभी बची भी रहती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी जगह पर मैं और भी फ्रॉक्स रख सकती हूँ, एक दो और लगा सकती हूँ, जैसे ये रख दी मैंने। तो इस टाइप से फ्रॉक्स रखने के लिए ये अच्छा है और ये स्टैकेबल है और सामने की तरफ से ये इस तरीके से दिखता है। ये इसमें सामने की तरफ से फ्रॉक्स दिख रही हैं, कौन कौन सी रखी हैं, और इसके ऊपर मैं इसके टॉप वगैरह रख देती हूँ, कई बार पैंट्स रख देती हूँ, शॉर्ट्स रख देती हूँ, या फिर जो श्रिया अभी ड्रेस पहनी है इस टाइप की ड्रेसेस रख देती हूँ। तो ये अच्छा रहता है, एक जगह पे सारा सामान फैलता नहीं है। तो बस ये सारी फ्रॉक्स जो हैं मैंने देख ली हैं, कौन कौन सी इसको पहननी है, बाकी सब हटानी है। और ये तो हो गया ये वाला शेल्फ, अब देखते हैं कि बाकी श्रिया कौन कौन से पहनती है। श्रिया इस टाइप के कपड़े जो हैं जो नहीं पहनती है या फिर जो उसको थोड़ा सा छोटे लगते हैं पहनने में, बट वो आ रहे हैं तो उसको मैं नाइट ड्रेस के टाइप से बना ले रही हूँ और कुछ दिन इसको पहना के फिर मैं किसी को डोनेट कर दूंगी, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में कहीं डोनेट भी नहीं करने जा सकते, तो इसको हटाना तो पड़ेगा वार्डरोब से क्योंकि क्लीनिंग हो रही है। तो इस टाइप की चीज़ें हटा दूंगी जो और नाइट ड्रेस के एरिया में रख देंगे। हाँ नाइट ड्रेस की जगह पर रख देंगे। तो ये हो गया और ये एक जो इसकी बास्केट है, तो इस तरीके से मैंने इसके सारे जितने भी टॉप हैं और टी शर्ट्स हैं जो कि कैजुअल वेयर्स में लेती हूँ मैं, मतलब कि श्रिया पहनती है, तो वो सारे के लिए मैंने ये एक छोटी बास्केट बनाई है। ऐसे 2 या 3 बास्केट्स आप बना सकते हैं अगर और भी आपके पास हैं तो। बस उसमें फाइल सिस्टम में मैंने सारे जितनी भी इसकी टी शर्ट्स हैं वो रख दी, कुछ आयरन में गई हैं तो वो भी अभी आ जाएंगी इसमें रखने के लिए। और इसमें और भी क्लोथ्स आ सकते हैं इसमें। अब ये ये जो हैं पैंट्स, ये पैंट्स सारे श्रिया पहनती है, इसको देख लेती हूँ मैं कौन कौन से नहीं पहनती है। ये देखिए आप इसमें कितनी स्पेस हो रही है, जबकि मैंने यहाँ पे 3 4 फ्रॉक्स रखी हुई हैं
और अभी मैं इसमें सारी फ्रॉक्स रख दूंगी और इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसकी और कौन सी है फ्रॉक बची है? और तो नहीं दिख रही मुझे। ये हो गई इसकी सारी यहाँ पे फ्रॉक्स और अभी जगह भी है, इसमें दो या तीन फ्रॉक्स मैं और रख सकती हूँ। तो ये फ्रॉक्स तो मम्मी घर के लिए है ना? ये घर वाली फ्रॉक्स है और वो इसमें जो है वो बाहर वाली है। ये घर ये बाहर के शॉर्ट्स और चलो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। सो लहंगे को मैंने इस तरीके से रखा है, इसमें बीच में जो आप देख रहे हैं ये लहंगा है और कभी इसका कोई पिक्चर मेरे पास होगा श्रिया का तो मैं ज़रूर डालूंगी। और इसका ये ब्लाउज है तो इस टाइप से मैंने इसको हैंग किया हुआ है, कोने में इसको टांगूंगी क्योंकि इसकी ज़रूरत इतनी फ्रीक्वेंटली होती नहीं है। एंड जो वाइट कलर के हैंगर्स हैं उसमें सारे श्रिया के जो टॉप्स हैं मतलब कि टी शर्ट्स जो नहीं है वो मैं रखती हूँ और टी शर्ट्स एंड शर्ट्स जो है वो इस तरफ ग्रे एंड ब्लैक कलर के हैंगर्स में रखती हूँ। अब मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ ये आपको बता रही हूँ क्योंकि ये बास्केट्स पूरी जगह ले लेंगे तो इनको मैं इस तरीके से रखूँगी कि इसके सामने या आगे पीछे भी सामान मैं रख सकूँ। सो ये जाएगा मिडिल में इस तरीके से, इस तरफ मैक्सीज मिडीज और कुछ लहंगा है वो मैं यहाँ पर रखूँगी, हाँ, और इस तरफ रखूँगी उसके सारे पैंट्स एंड ट्राउजर्स। फ्रेंड्स मेन चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों के कपड़े कैटेगराइज कर लें, जैसे उनके टी शर्ट्स अलग कर लें, उनकी फ्रॉक्स अलग कर लें। अगर आपका बच्चा बॉय है तो उसकी शर्ट्स फॉर्मल और जो रेगुलर वेयर हैं वो सारे अलग कर लें और फिर उसको आप ऑर्गेनाइज करें। बेस्ट तरीका है आप बास्केट्स में ऑर्गेनाइज करें क्योंकि ऊपर अगर हमने हैंग किए हैं और नीचे कपड़े अगर हमने ऐसे ही रख दिए तो वो बार बार गिरते हैं। तो मैंने बीच में आपने देखा होगा बास्केट रखी, उससे क्या होगा आजू बाजू में जो भी कपड़े हैंग करूंगी उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, बीच में भी कपड़ों का एक पाइल बना सकती हूँ और साइड में जो है पतला छोटा पाइल बनाऊंगी तो उससे वो कपड़े जो है डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया। अगर मैं एक कॉर्नर में बास्केट रखती हूँ ना तो ऊपर हैंग करने में प्रॉब्लम होगी और बास्केट के ऊपर भी मैं सामान ज्यादा नहीं रख पाऊंगी। तो बस थोड़ा सोच समझ के और देखूंगी कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। और हाँ, घर के कपड़े और बाहर के कपड़े आप हमेशा अलग रखें ताकि बच्चों को ये पता हो कि हमें कपड़े कौन से कब पहनने हैं। ये तो बच्चे कभी भी कोई भी कपड़े निकाल के पहनते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कपड़े वैसे ही रखे रह जाते हैं। सो एज़ यू कैन सी ये जो बास्केट है इसमें बहुत सारा जंक है, इस सबको मुझे खाली करना है क्योंकि श्रिया ने सब कुछ रखा हुआ है, वो किसी को देने को भी तैयार नहीं है। इससे भी मैं खेलूँगी, इससे भी मैं खेलूँगी और ये भी रख दो मम्मा और ये भी रख दो मम्मा। तो बस करते करते इतना टाइम हो गया। और जो नीचे वाला शेल्फ है वो सबसे बड़ा टास्क है क्योंकि उसमें पेंट है बहुत सारे तरीके के और श्रिया का ये उसके टॉयज हैं जिनसे वो कभी कभी खेलती है और ज़्यादातर टाइम वो नहीं खेलती है। है ना श्रिया? हाँ। सबको रखना है ना, किसी को नहीं दे? नहीं, देने का मन नहीं है उसका। चलिए तो इसको जल्दी से क्लीन करते हैं। ये आप जानते हैं क्या है? टिकली, जो गन में डाल के दिवाली के टाइम फोड़ते हैं, वो भी श्रिया ने अपने उसमें संभाल के रखी हुई है। है ना श्रिया?
मैं दिख रही हूँ ना। श्रिया देखिए कहाँ है, कहाँ घुसी हुई है, पाताल लोक में। पाताल लोक। प्लेट्स, किचन सेट, किचन सेट तो मैं शायद से हमेशा संभाल के रखूंगी। श्रिया 8th क्लास में है, बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते रहते हैं कि श्रिया कौन सी क्लास में है, तो श्रिया इज इन 8th क्लास। अभी वो 8th क्लास में गई है और वो किचन सेट से भी खेलती है, वो इन सारे टॉयज से खेलती है जो मुझे कुछ कुछ कबाड़ा लगता है, वो सब चीज़ से वो खेलती है। जैसे ये डंडा है, इससे भी कुछ करती है, पता नहीं क्या करती है ये। फ्रेंड्स, श्रिया उधर साफ जरूर कर रही है लेकिन उसकी पूरी नज़र मेरे ऊपर है, वो देख रही है कि मैं कहीं कोई उसका सामान ना फेंक दूं या कोई ऐसी चीज़ ना हटा दूं जिससे वो खेलती है। लेकिन हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि जिन चीज़ों से वो खेलती है या वो पसंद करती है वो चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं फेंकूंगी, उसको मैं रखूंगी। फेंकना इन द सेंस कि मैं किसी और को दे सकती हूँ, कोई और बच्चे को जो खेले। तो सब चीज़ें पूछती जा रही हूँ और वो भी मुझे देखती जा रही है कि मम्मा कौन सी चीज़ रख रही है और कौन सी हटा रही है। श्रिया की हालत देखिए, श्रिया थक गई है और गिर पड़ी है बिस्तर पे, उसको अब भूख लग रही है। तो चलो हम लोग अब लंच करते हैं और ये सारा जो मैस है इसको बाद में क्लियर करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो ब्रेक लेंगे और मैक्सिमम जो काम है हमारे हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और हम लोगों ने कल बहुत सारी सफाई करी, ऑलमोस्ट पूरा दिन हमें लग गया क्योंकि हमने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था। रात तक हम लोगों ने उस वार्डरोब को जमाया और पूरा रूम अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि फ्रेंड्स जो ऊपर वाला शेल्फ था इसके वार्डरोब में, जो टॉप मोस्ट जो शेल्फ है उसमें इतना ज़्यादा सामान था और बहुत सारा सामान मेरा था, श्रिया का था और केदार का था। हम सबको देखना था कि कौन सा रखना है, कौन सा हटाना है, तो वो सब करते करते पूरा दिन निकल गया। तो आज है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को पूरा वार्डरोब जो हम लोगों ने जमाया है उसको मैं दिखाऊंगी, कैसे हमने जमाया है उसको। ये जो पूरा रूम है उसको भी क्लीन किया, बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज किया, अंदर से भी सारा सामान हटाया निकाला। तो रूम तो हो गया बहुत अच्छे से क्लीन और बहुत अच्छा भी लग रहा है, बट हम लोग बहुत थक गए थे कल। तो आज मैं आप लोगों को ये पूरा शूट दिखाऊंगी, लेकिन फ्रेंड्स फर्स्ट वीडियो में जाएगा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड वीडियो में श्रिया का रूम टूर जाएगा। तो आप लोग दोनों पार्ट वन पार्ट टू दोनों देखिएगा मेरे चैनल पर, और श्रिया के चैनल पर भी रूम से रिलेटेड एक वीडियो आएगी जिसको मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करूँगी, एक सरप्राइज है। तो वो जल्द ही आपको सरप्राइज जो है वो डिस्क्लोज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपना जो वार्डरोब है वो कैसे जमाया है, और उसके बाद पार्ट टू जो आएगा रूम टूर वो भी आप जरूर देखिएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हम लोगों ने पर्स टांगे हुए हैं, जितने भी मेरे पास पर्सेस हैं वो सब मैंने यहाँ पर हैंग किए हुए हैं। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि सारे पर्स एक लाइन में हैंग हैं, तो ये काफ़ी मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब यहाँ चलते हैं, यहाँ मैंने कुछ अपनी बुक्स रखी हुई हैं और इस साइड में मैंने कुछ कॉपीज़ रखी हुई हैं जो मैं यूज़ नहीं की है अभी तक, और ऊपर रिबन्स का बॉक्स रखा हुआ है मैंने। यहाँ इस साइड में मैंने अपने विंटर क्लोथ्स रखे, विंटर वेयर्स रखे हैं। यहाँ पर स्वेटर्स हैं, यहाँ कुछ ग्लव्स एंड स्कार्फ्स हैं एक्सेट्रा, एंड पीछे साइड यहाँ पे भी स्वेटर्स एंड जैकेट्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अपने क्लोथ्स रखी हुई हैं, जैसे मैंने टी शर्ट्स रखी हैं इस बास्केट में, और पीछे साइड मैंने कुछ सॉक्स एक्सेट्रा रखी हैं चीज़ें। यहाँ ये है मेरा मेकअप किट, ये मैंने मेकअप किट रखा हुआ है।
श्रिया मेकअप भी लगाती है हाँ उसका वो गया है ना स्किन केयर में जो श्रिया के चैनल पे सभी व्यूअर्स ने देखा होगा, बस वही सारी चीजें लगाती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगाती है हाँ जो मैंने बोला था वही लगाती हूँ तो ये मेकअप पाउच मुझे बहुत ब्यूटीफुल बहुत प्रिटी लगता है, तो मैंने डिसाइड किया, मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी इसे फ्रंट में रख दो, यहाँ पे कुछ बेल्ट्स हैं जो कि मेरी ड्रेसेस में मैं लगाती हूँ, जैसे कि ये भी मैंने यहीं पे रखी हुई थी सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने वार्डरोब के क्लोथ्स रखे हुए हैं, क्लोथ्स जो कि यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट्स रखी हुई हैं, यहाँ पे मैंने अपने टॉप्स रखे हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल टॉप्स रखे हैं, यहाँ पे कुछ इरेगुलर आउटफिट्स रखे हैं जो कि मैं रोज़ नहीं पहनती हूँ, और वैसे भी ये बाहर के आउटफिट हैं जैसे कि स्कर्ट्स हैं, लहंगा है, फ्रॉक्स हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स हैं, तो वो सब मैं बाहर पहनती हूँ और रोज़ नहीं पहनती हूँ। और यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे जीन्स रखी हैं मेरी, लेगिंग्स रखी हैं, तो जब भी मुझे कुछ लेगिंग्स या जीन्स या केपरीज पहननी रहती हैं तो मैं यहाँ से निकाल के पहन लेती हूँ। एंड इस बास्केट में, ये बास्केट काफ़ी हेल्पफुल है, इस बास्केट में मैंने ड्रेसेस रखी हुई हैं जो कि बहुत फ्लफी ड्रेस हैं, बहुत लॉन्ग ड्रेसेस हैं, वो मैंने यहाँ पर रखी हैं, और किसी फेस्टिवल या किसी ओकेजन पर्पसेस में पहनती हूँ वो ड्रेसेस मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और यहाँ कुछ शॉर्ट्स रखे हैं मेरे जो कि मैं बाहर पहनती हूँ, तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ मैं अपनी घर की ड्रेसेस रखती हूँ जो मैं घर में पहनती हूँ वो रखती हूँ, और बस यहाँ वो नहीं रखती हूँ क्योंकि यहाँ मैं अपनी यूनिफॉर्म्स रखती हूँ जो मैं स्कूल पहन के जाती हूँ। और यहाँ एक और बास्केट रखी हुई है, जैसे कि यहाँ रखी हुई थी वैसे यहाँ पे भी रखी है, और यहाँ इस बास्केट के अंदर मैं वो ड्रेसेस पहनती हूँ, वो फ्रॉक्स रखी रहती हैं जो मैं घर में पहनती हूँ, और कुछ लेगिंग्स हैं, कुछ हाफ पैंट्स हैं जो मैं घर में पहनती हूँ, और कुछ जो लेगिंग्स और टॉप्स हैं वो अभी आयरन करने में दिए हैं हाँ। तो वो अभी मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं क्योंकि वो अभी आयरन करने हैं, तो श्रिया ने अभी जो जो बस जो बता रही है वो बस आयरन वाले हैं क्लोथ्स, बाकी अभी हाँ, और अभी रखने हैं, आयरन होने बाकी हैं। यहाँ पे है सारी लॉन्ग स्कर्ट्स मैंने रखी हुई है, स्कर्ट्स हैं, ये जंप सूट है, ये सारी लॉन्ग स्कर्ट्स हैं मेरे पास, तो ये मैंने यहाँ पे रखे हुए ऑर्गेनाइज किए हैं। ओके सो श्रिया यू हैव 1, 2, 3, 4 शेल्फ्स जो कि तुम्हारे ड्रेसेस से रिलेटेड हैं, यानी कि है ना। अब नीचे चलते हैं बुक्स तरफ, तो ये शेल्फ भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया, बहुत मैस हो रहा था यहाँ पर। यस, यहाँ पर बहुत क्लीन हो गया है। और यहाँ मैं बुक्स रखती हूँ अपनी, कुछ ड्राइंग कॉपीज भी रखती हूँ मैं अपनी यहाँ पर, और ऊपर कुछ कॉपीज रखी हुई हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया जो स्मॉलर साइज की कॉपीज हैं उन्हें सबसे टॉप पर रखे तो वो क्लीन दिखता है। और यहाँ पे एक स्टैंड रखा हुआ है हम लोगों ने, जिसमें वी हैव केप्ट ऑल पेंसिल्स एंड बॉक्स, एंड हेयर ऑल्सो सम बॉक्सेस आर केप्ट एंड पाउचेस आर केप्ट, कंपास बॉक्सेस एज यू कैन सी। तो यहाँ पे ये रखा हुआ था एक पेन ऑर्गेनाइजर जो कि आप देख सकते हैं कितना क्यूट है, ये देखिए और इसके पीछे भी एक पेन एंड पेंसिल स्टैंड रखा हुआ है ब्लू कलर का एज यू कैन सी। और इस साइड हम लोगों ने मीन्स यहाँ पूरे में दूसरे साइड हम लोगों ने बैकपैक्स रखे हैं मेरे, जो कि जो सबसे अच्छा लगता है मुझे वो मैं सबसे आगे रखा है, स्कूल बैग मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये देखिए बैग में सबसे अच्छा लगा इसलिए मैंने सबसे आगे रखा है, देखिए कितना क्यूट है तो ये मैंने सबसे आगे रखा हुआ है। तो इस ग्रीन कलर की बास्केट में मैंने कुछ टॉयज रखे हैं, कुछ शटल कॉक्स रखी हैं, बॉल्स रखी हैं, स्केट्स के हेलमेट्स रखे हैं, स्केट्स भी रखे हैं यहाँ पर मैंने अंदर इस ग्रीन बास्केट में। और इसके बगल में है एक रेड रेड कलर का
बैग आप देख सकते हैं, इसमें मेरा किचन सेट रखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे मैं उसे रखती हूँ अंदर घुसाकर। और यहाँ पे मैं सारे कलर्स में रखती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कलर्स रखे रहते हैं, तो उसके लिए एक बड़ी बास्केट की ज़रूरत थी, बड़े बॉक्स की ज़रूरत थी। तो इस बॉक्स को हम लोगों ने वाइट कलर की क्लॉथ से डेकोरेट करके इसमें कलर्स रखे हैं। और यहाँ पर मेरे सारे गेम्स रखे हुए हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे ये बिजनेस है, उसके ऊपर एक बॉक्स आप देख सकते हैं, उस बॉक्स में भी और बहुत सारे गेम्स रखे हुए हैं। एंड ये है ड्रॉर एज यू कैन सी, तो इस ड्रॉर में मैं जंक रखती हूँ अपना, जो भी सामान है वो मैं यहाँ रखती हूँ, कुछ वॉच है मेरी वो रखती हूँ मैं यहाँ पर, तो ये सब जंक आइटम्स मैं यहाँ पे रखती हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरी कुछ निप नैप चीज़ें रखी हुई हैं क्राफ्ट से रिलेटेड, और उन क्राफ्ट्स के लिए हम लोगों ने कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं। ये दो बॉक्सेस क्राफ्ट्स के हैं, और आप जो टॉप पर ये बॉक्स देख सकते हैं, रखिए दिखा के दिखाती हूँ, ये जो बॉक्सेस में मेरा हेडफोन रखा रहता है, तो वो भी मैंने यहाँ रखने के लिए डिसाइड किया था। ये है मेरा पिगी बैंक। तो मैंने और मम्मी ने मिलकर, हम दोनों ने मिलकर इस वार्डरोब को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है एज यू कैन सी। तो मैं क्लोज कर देती हूँ। आप सब लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि श्रिया ने पूरा अपना वार्डरोब दिखाया है। मैंने कई बार इस रूम को ऑर्गेनाइज किया है और श्रिया ने भी कई बार इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन आप लोग ऐसे ही चाहते थे कि श्रिया आप सभी को बताए और दिखाए। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ये वार्डरोब आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्लीन लगा हो, पहले से बेटर लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ये जो आने वाला वीडियो है यानी कि रूम टूर का, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बाकी जो रूम हम लोगों ने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, क्लीन किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आई होप कि आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो आज मैंने उनके सारे आंसर्स दिए होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी, यानी कि इस रूम के रूम टूर की। तो तब तक के लिए मैं आप सभी को गुड बाय बोलूँगी एंड टेक केयर। बाय बाय बाय, take care।